राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर करते हुए आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। सभी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज 21 सितंबर को राजभवन बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतिशी अपने मंत्रिमंडल के साथ शाम 4:30 बजे शपथ ले सकते हैं। दरअसल केजरीवाल द्वारा मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी द्वारा इस्तीफा और सरकार गठन की फाइलें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी मंजूरी के लिए भेजी थी। इस पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की गई थी और आप विधायकों ने सप्ताह की शुरुआत में बैठक की और सर्वसम्मति से आतिशी को सत्तारूढ़ विधायक दल का नेता चुना। आप द्वारा घोषित नए मंत्रिपरिषद में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत शामिल हैं, जो सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने हैं। राय, गहलोत, भारद्वाज और हुसैन निवर्तमान केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 13 सितंबर को आबकारी नीति मामले में 5 महीने से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद बाहर आए। 2 दिन बाद एक आश्चर्यजनक घोषणा में केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर वापस लौटेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। आतिशी, जो कि पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वो अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय है। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत का नाम, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था, लेकिन मुहर आतिशी के नाम पर लगी। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थीं। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी हैं। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला और आज आतिशी अपने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि शाम को 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा।